हेलो एवरीवन, मेरा नाम भारती चावला है। वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और तीसरी चीज उसमें टैक्सेशन क्या होता है। उससे पहले राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैंने SIP पे इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि हर महीने मेरे 5,000 कटते हैं। तो अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मार्केट की कंडीशन बहुत डाउन है, कोरोना वायरस चल रहा है, अब ट्रंप जी ने अपना चला रखा है। तो आप हमें ये बताइए कि मुझे क्या ये SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए या ये बंद कर देनी चाहिए? थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू भारती। आपका जो क्वेश्चन है SIP का, देखिए मार्केट कंडीशन जब भी खराब होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है सभी के लिए, इन्वेस्टर के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे केस में आपको SIP कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि कंटिन्यू करनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो जिन लोगों ने SIP कर रखी है, अगर आपने 5,000 रुपये की SIP कर रखी है, अगर आप कर सकते हैं तो उसको बढ़ाकर 7,500 या 10,000 कर सकते हैं कुछ 6 महीनों के लिए, और फिर उसको दोबारा से 5,000 रुपये ला सकते हैं। तो ऐसे इस कंडीशन में आपको SIP अपनी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि कंटिन्यू करनी चाहिए या बढ़ा देनी चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उस SIP को बढ़ा दूं, मतलब 5,000 से 7,500 कर दूं? जी जी। तो आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो राकेश जी, आप हमें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कि मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा ROI है, क्या है म्यूचुअल फंड? हाँ, सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आएगा, जो लोग बिगनर हैं या जो इस मार्केट से रिलेटेड नहीं है, उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल और फंड, यानी कि म्यूचुअल मतलब पारस्परिक यानी आपसी, और फंड मतलब पैसा, मनी, यानी कि आपसी पैसा। यानी कि मान के चलें 100 लोग हैं और हर आदमी एक एक हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है मार्केट में। अब इन्वेस्ट करना चाहता है तो अगर 100 लोग अपना पैसा इकट्ठा कर लें तो वो 1,00,000 रुपये हो जाता है जी। तो अगर सपोज एक बंदा है जो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको वो चाहता है कि मैं मारुति का शेयर ले लूँ, तो मारुति का शेयर 6,000 रुपये का है तो वो तो नहीं ले सकता, पार्ट में शेयर आता नहीं है, एक सिंगल शेयर लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो जैसे 1,00,000 रुपये इकट्ठा हो गया, वो उस पैसे को मार्केट के अच्छे शेयर्स में वो लगाता है। इसके लिए एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होता है जो कि उस पैसे को सारा मैनेज करता है। इसीलिए इस म्यूचुअल फंड की कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे उनकी सैलरी या और भी एक्सपेंस जो होते हैं वो करते हैं। तो सपोज मान के चलिए, जैसे आपने 1,00,000 रुपया इकट्ठा किया म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, और उस पैसे को मान के चलिए SBI, HDFC या मारुति या हीरो मोटो या ACC, इस तरह की इंफोसिस, IT, ऐसी कंपनीज में लगाया। अब मान के चलिए उसने 1,00,000 रुपये लगाए और एक साल बाद वो कंपनीज जो है ग्रो करी, और मान के चले वो 1,00,000 रुपये का जो फंड उन्होंने लगाया उसकी वैल्यू हो गई सपोज 1,20,000 रुपये, और उस 1,20,000 में से अगर हम कुछ खर्चे हटा दें, मान के चलिए 5,000 रुपये खर्चे हटा दें, तो जो वैल्यू रही वो करीब 1,15,000 रुपये रही। तो यानी आपने अगर इन्वेस्ट किया, तो अगर आपने 1,000 रुपये लगाई तो आपको मान के चलिए 100 यूनिट्स मिलेंगी, इसमें यूनिट्स मिलती हैं, और जो आपने रेट लगाया वो 10 रुपये के हिसाब से लगाया, तो आपको 100 यूनिट मिल गए 1,000 रुपये में, ठीक है। अब जो उसकी वैल्यू हुई वो हुई 1,15,000, यानी कि अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हो गई 1,150 रुपये। तो आपको करीब 11.5% का एक साल में रिटर्न मिल गया। तो अब जब आप उसको बेचना चाहेंगे तो आप इसको बेच सकते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, जो बेसिक जो म्यूचुअल फंड होता है, कंसेप्ट जो है वो ये है। तो राकेश जी, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मुझे नहीं पता म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बताइए, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ? हाँ देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरे को देखिए इन्वेस्टमेंट का, मैं हालांकि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक बता सकता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है जी। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरा गोल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है गोल, कि मेरा गोल क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। यानी कि मेरा गोल ये है कि जैसे मेरे बच्चे आने वाले टाइम में उनकी हायर एजुकेशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए, या उनकी शादी के लिए मेरे को पैसे चाहिए, या मेरे रिटायरमेंट के लिए मेरे को पैसे चाहिए, या मेरे को कोई घर खरीदना उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, या मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए मेरे को कोई पैसे चाहिए, या मेरे को
फॉरेन टूर पे जाना है, इसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पहले तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरे को कितना टाइम के लिए पैसा लगाना है, कितना अमाउंट मेरे को चाहिए, तो उससे मेरे को यही पता चल जाएगा मेरे को कितने पैसे अभी लगाने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहली जरूरी बात जो होती है वो ये होती है कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड में एंटर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना गोल जरूर डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज़ जो म्यूचुअल फंड के साथ सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है, इसमें लोगों की मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट, यानी कि एक प्योरली जो इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, दूसरे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स या डिवेंचर में निवेश करते हैं। तो दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें, हाँ जी, अच्छा। और इसके लिए तो इसके लिए क्या है कि जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं जी। तो हाई रिस्क में हाई रिटर्न होता है, तो वो लोग इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। और जो लोग लो रिस्क ले सकते हैं, यानी कि हाई रिस्क कौन ले सकता है, जो यंग जनरेशन है वो हाई रिस्क ले सकती है, तो उसको इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो ओल्ड लोग हैं यानी कि जो रिटायर्ड लोग हैं या थोड़े से एज लोग हैं, उनको डेट वाले फंड में निवेश करना चाहिए। एक मैं आपको एक बेसिक एक थंब रूल बता देता हूँ। थंब रूल ये होता है कि सपोज आपकी एज अगर 25 है जी, ठीक है, तो आपको आज की डेट में अगर मेरे को 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको 25 रुपये आप अपना इन्वेस्ट करिए डेट फंड में जी। यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, यानी से आपको फिक्स रिटर्न मिले जी। और 75 आपको करना चाहिए इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में जिनमें आपको रिस्क रहता है। इस तरीके से आपको मिक्स अपना इन्वेस्टमेंट का करना चाहिए। और जैसे जैसे वो एज बढ़ती जाती है वो फिक्स रिटर्न की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे अगर 55 हो गई तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो फिक्स सिक्योरिटीज़ हैं उनमें 55 हो जाएगा, और आपका रिस्क वाली जो सिक्योरिटीज है उनमें 45 हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएगा। तो हमें हाई रिस्क में जाना चाहिए या लो रिस्क में जाना चाहिए? हाँ, इसके लिए ये पहले तो रिस्क प्रोफाइल आपको देखना होगा कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरी एज क्या है, किस क्या मेरी अर्निंग है, क्या मेरे गोल्स हैं जो हमने पहले बताया जी। और इसके लिए दो तरह के फंड मैंने आपको बताए, एक इक्विटी फंड और एक डेट फंड। फंड में दो तरह के फंड, हम उसको अगर हम टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो दो तरह के फंड होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड फंड, दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड वो होते हैं जिनमें कि आप कभी भी खरीद सकते हैं उनको, कभी भी बेच सकते हैं, कोई टाइमलाइन नहीं होती। क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं वो होते हैं उनमें एक फिक्स मैच्योरिटी होती है। अभी कभी आपने सुना हो FMP के, FMP निकला हुआ है, तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान होते हैं वो होते हैं FMP, वो उनकी एक फिक्स डेट होती है, उस डेट पर वो रिडीम हो जाते हैं जी। अगर हम रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से दो तरह के फंड होते हैं जी। एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होते हैं डेट म्यूचुअल फंड जी। तो राकेश जी, अब मैं इसमें फटाफट खत्म करते हैं इस टॉपिक पे। इसमें एक वर्ड आता है टैक्सेशन। हाँ, म्यूचुअल फंड में ये टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा इक्विटी फंड को और डेट फंड को भी हम जरा ले लें जी, जी, कि किस तरह के इक्विटी फंड्स होते हैं, किस तरह के डेट फंड होते हैं। इक्विटी फंड में कौन से होते हैं कि इक्विटी फंड वो होते हैं, एक तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड हो सकते हैं, जैसे कि कोई जो म्यूचुअल फंड है वो केवल स्पेसिफिक सेक्टर में ही निवेश करता है, जैसे कि IT वाले स्टॉक्स में ही निवेश कर देगा या फार्मा वाले स्टॉक्स में ही निवेश करेगा, ठीक है। कुछ होते हैं कि केवल लार्ज कैप में ही वो निवेश करेंगे या मिड कैप में ही निवेश करेंगे या स्मॉल कैप में निवेश करेंगे। तो ये तो सेक्टर टाइप के फंड हो गए, ये सारे इक्विटी फंड होते हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरे तरह के फंड होते हैं इंडेक्स फंड, यानी कि जैसे कि आपका निफ्टी है तो निफ्टी से रिलेटेड ही वो अपना फंड बना देते हैं। तो उसमें जैसे निफ्टी में अगर किसी स्टॉक की जो वेटेज है अगर 20% है, तो वो भी अपने उस स्टॉक की 20% वेटेज के हिसाब से वो स्टॉक परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह के होते हैं इंडेक्स फंड, ये मॉडरेट रिटर्न इनमें होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। तीसरे तरह के होते हैं टैक्स सेविंग फंड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में, क्योंकि वो टैक्स सेविंग के लिए होते हैं। सेक्शन 80C में उनकी डिडक्शन मिलती है, इनको ELSS भी होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इस तरह के फंड भी होते हैं जिनमें, लेकिन इनमें 3 साल का लॉक इन होता है। अब बात करते हैं डेट फंड की, लॉक इन पीरियड भी कुछ होता है? हाँ, दोनों में होता है या एक में होता है लॉक इन? नहीं, जो टैक्स सेविंग फंड होते हैं उनमें 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, और उससे पहले नहीं निकाल सकते। लेकिन जो बाकी फंड होते हैं उनमें कहीं कहीं किसी में 1 साल का, किसी में 6 महीने का होता है लॉक इन, तो लेकिन अगर उनमें निकाल सकते हैं पैसा, उनमें ऐसा नहीं है, वो कुछ परसेंटेज चार्ज लगता है तो उसके बाद वो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग फंड में पैसा आप नहीं निकाल सकते 3 साल से पहले। और उसके बाद हम बात करते हैं, इनमें भी दो ऑप्शन और होते हैं, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन, एक होता है डिविडेंड ऑप्शन।
यानी ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर म्यूचुअल फंड कोई डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, जैसे स्टॉक में डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो आपको वो डिविडेंड मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि वो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हैं। वो क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड उस आपका जो डिविडेंड पोर्शन है उस पोर्शन को दोबारा उसी फंड में इन्वेस्ट कर देगा, तो आपकी एनएवी बढ़ जाती है उससे। अब हम बात करते हैं डेट फंड्स की। तो डेट फंड्स में कई तरह के फंड होते हैं। सबसे पहले फंड होते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होते हैं, लोगों में बड़ी भ्रांति है कि इक्विटी फंड ही होते हैं, अच्छा कि रिस्क है कि हाँ काफ़ी अच्छा है, तो रिस्क रिस्क बहुत होता है। लेकिन अब ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड है जिनमें कि मनी मार्केट या लिक्विड फंड वो होते हैं जो कि कंपनी छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करती हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में, सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, जो कि बहुत, अगर आप जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो कि मैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं डालना है मेरे को, तो आप इस तरह के फंड में डाल सकते हैं, उनमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है छोटे ही टाइम में। ये इस तरह के लिक्विड फंड होते हैं। उसके बाद होते हैं फिक्स्ड इनकम या डेट फंड, जो कि म्यूचुअल फंड जो है उनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में इनमें इन्वेस्ट करती है, इनमें आप डाल सकते हैं। ये भी जैसे एक साल या दो साल के लिए आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो सेफ पैसा रहता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। तीसरा तरह का फंड होता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या होता है कि उसमें दोनों का मिक्स होता है, इक्विटी का भी और डेट का भी, तो बेसिकली उसको इक्विटी फंड माना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका रिस्क मॉडरेट हो गया जी। तो इस तरह के फंड में क्या होगा कि आपको इक्विटी का रिस्क का भी बेनिफिट हो गया और डेट के लो सिक्योरिटी का भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह के फंड होते हैं। एक चीज और लोगों को मैं आज अवेयर कर देता हूँ, सपोज आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी। तो आपके पास म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है गोल्ड का। तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे फिजिकल गोल्ड के साथ होता है कि एक तो सिक्योरिटी होती है, दूसरा मेकिंग चार्जेज होते हैं, ठीक है ना, तो और उसको फिर रखना, रखने के चार्जेज होते हैं। लेकिन आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बच जाएंगे। और गोल्ड ETF में क्या होता है, वो जो आपका गोल्ड का रेट है उसी अकॉर्डिंगली वो परचेज करते हैं, और जो रेट चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो आप सेल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन लोगों के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड भी है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो राकेश जी बस यही इतने ही म्यूचुअल फंड थे हमारे जी। तो आज अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की कि इसमें क्या टैक्सेशन है, कितने मंथ्स में कितना टैक्स लगता है, तो वो आप हमें बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया आपको दो तरह के म्यूचुअल फंड है, इक्विटी और डेट। तो इक्विटी जो फंड होते हैं उनको टैक्सेशन स्टॉक की तरह ही होता है उनका टैक्सेशन। अगर वो आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं और फिर आपको कोई गेन होता है तो उस पर 10% के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हैं यानी कि उसको शॉर्ट टर्म गेन बोलते हैं, तो आपको 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन डेट फंड के केस में क्या होता है, अगर आप 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है, वो होता है 20%, उसमें इंडेक्सेशन के बाद 20% का टैक्स लगता है। और जो अगर आप 36 महीने से कम करते हैं तो वो आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब जो होता है उस स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है जी। तो थैंक यू वेरी मच राकेश जी। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड से कोई क्वेरी हो या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग Amazon Fire TV, IGTV, Apple TV, YouTube, वेबसाइट, हर जगह अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।